मैं राजेश गोस्वामी, गांव चनाना, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ। हाँ, ये 21 एकड़ जमीन अपन लीज पे ले रखी है 10 साल के लिए। तो फूल की खेती का एक फायदा ये है जी, कैश क्रॉप है। अगर रात को 1 बजे मंडी खुलेगी इसकी, रात को बिकेगा, रात को ही कैश पेमेंट लेके आ जाओ अपना घर। और कितना मुनाफा एक एकड़ से हो जाता है किसानों की, सबसे पहले बात आती है मुनाफा, मुनाफा कितना तक? मुनाफा नॉर्मल सा है जी, 1 लाख रुपए तो कम से कम बचत आ जाएगी एक एकड़ की, सारी लेबर खर्चा सब कुछ काट के। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो मैं नर्सरी। आज हम अपने गांव के एक प्रगतिशील किसान के पास पहुंचे हैं, वहां पे फूलों की खेती ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फूलों की खेती हो रही है। पूरी जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से करते हैं, कब लगाते हैं, कितनी इनकम होती है, कहाँ पे इसकी सेलिंग होती है। तो आपने हमारे चैनल अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको सारी जानकारी दे दें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 कलर के जो पौधे हैं गेंदे के, वो दिखाई दे रहे होंगे, साथ में गुलदावरी है, वो भी आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। और गेंदे की जो अगली सर्दी की फसल है वो तैयार होनी है, उसकी भी पौधे यहाँ पे प्लांटेशन होकर रखी हैं, तो पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी देंगे जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनसे। तो ये देखिए, ये हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान हैं जो ये खेती करते हैं पूरी, उनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जो देखने वाले किसान हैं उनको राम राम कीजिए। राम राम जी। तो ये बताइए आप कहाँ से हो और यहाँ पे किस चीज़ की खेती और कितने समय से कर रहे हो? मैं राजेश गोस्वामी, गाँव चनाना, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ। और मेरे गांव मंडाण के अंदर आप लीज पे लेके जमीन? हाँ, ये 21 एकड़ जमीन अपन लीज पे ले रखी है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। और वहाँ पे आप कई तरह की मल्टीपल जो खेती है और ऑर्गेनिक रूप से जो खेती कर रहे हो, तो जो ये आपको हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गेंदे के बहुत ही खूबसूरत फूल हैं, बिल्कुल आप देखिए कितना ये है भरा हुआ फूल बारीक। तो ये जो फूल की वरायटी है, कौन सी वरायटी और आप किस समय इसकी प्लांटेशन की थी? ये नामदारी का भी है जी इसमें, और इंडस का टेनिस बॉल के नाम से आता है ना, इंडस का टेनिस बॉल। हाँ, वैरायटी का नाम है ये, वैरायटी का। और इसमें 2 कलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ये अपना, ये अश्वगंधा के नाम से है, इंडस कंपनी का ही, इंडस कंपनी का अश्वगंधा। हाँ जी। और ये टेनिस है येलो कलर। हाँ, वाला। तो यहाँ पे फ्लावरिंग मुझे बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये अपना सारा का सारा फूल कहाँ पे जाता है? और फूल सारा जाता है जी दिल्ली, गाजीपुर मंडी जी। और अब जो दीपावली का टाइम है, इस पे रेट भी इसके अच्छे हैं, अच्छे रेट हैं। तो आज से कितने समय पहले आपने ये प्लांटेशन की थी? ये की थी 3-2.5 महीने हो गए इसको। 2-2.5 महीने पहले आपने प्लांटेशन की थी, और अब ये दीपावली के ऊपर जो अक्टूबर का महीना है। हाँ जी, हाँ जी। और तो अभी ये जो फूल है, आपको ले जाने में कोई दिक्कत परेशानी या कुछ नॉर्मली ट्रांसपोर्टिंग? नॉर्मली है जी, जो सप्लाई करते हैं अपने भिवानी में है, तो शाम में शिवानी में जो गाड़ियां जाती हैं, कई जिम्मेदारी इकट्ठे हो गए और वहाँ नहीं, जो सप्लाई का काम जो करते हैं ना। अच्छा, जो सप्लाई का काम जो वहाँ से खरीद के लोगों की दुकानों पे देते हैं। अच्छा, तो वो ले जाते हैं माल को शाम को। अपने को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बेचने वाले, मतलब किसी तरीके अपना प्रोडक्शन किया और वो अपने आप से लेके चले जाएंगे और मंडी में पहुंचा दे। तो फूल की खेती का एक फायदा ये है जी, कैश क्रॉप है। अगर रात को 1 बजे मंडी खुलेगी इसकी, रात को बिकेगा, रात को ही कैश पेमेंट लेके आ जाओ अपना घर। मतलब किसी तरीके की उधारी? कोई उधार कुछ नहीं है, और एक अच्छी इनकम है। बिल्कुल जी। तो मैं ये जो हमारे देखने वाले किसान, उनसे एक बात और जानना चाहेंगे वो, कि इसका फूल है वो बिकता कैसे है? मतलब एक तो तोल के जाता है या तोल के? गेंदे का फूल सारा तोल के जाता है, गेंदे का सारा फूल तोल के जाता है। जितना फूल, अगर डिमांड कम हो, फूल मान लो खराब हो गया, तो उसको तोड़ के अपन राम में इकट्ठा कर लेंगे, उसका अर्क निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो खीरे के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ऑर्गेनिक खेती जो करते हैं ना, उसमें जितनी दूर में हमने अब इस बार जो गेंदा लगा रखा है, इसमें अगले सीजन में बेल वाली खेती करेंगे, जिससे नेमाटोड के बिल्कुल रोकथाम हो जाएगी। तो ये भी एक उन्होंने, राजेश भाई ने बहुत काम की चीज बताई, नेमाटोड, जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें नेमाटोड का अटैक सबसे ज्यादा होता है, उनकी जड़ों में गांठें बन जाती हैं, तो उनके रोकथाम के लिए उनके पास भी लगाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर गेंदे की खेती करके नेक्स्ट सीजन के लिए अगर बेल वाली खेती करते हैं तो प्रॉब्लम जीरो हो जाती है, नेमाटोड नहीं रहती है, वो भी खत्म हो जाती है। मतलब ऑर्गेनिक खेती के लिए नेमाटोड की मेरे हिसाब से बहुत महंगी दवाइयां हैं, अगर नेमाटोड को अगर बिल्कुल, और ये सबसे सस्ता सौदा है, डबल इनकम है, इनकम भी है इसकी। अपने फूल से भी अपने इनकम ले ली और इसकी जो जड़ों से है वो नेमाटोड के लिए हमें बचाव भी करेगी। बिल्कुल। तो अभी जो मुझे उधर दूसरी साइड दिख रहा है, ये अपने सर्दी के लिए जो फूल, ये सर्दी के लिए लगा रखा है, जो छोटा गेंदा दिख रहा है जी जी, ये इसके अलग अलग अगर स्टेज में लगाते हैं ना, तो रेट उसका कभी कम कभी ज्यादा, तो किसान के लिए फायदेमंद थी। फायदे मतलब उसका रेट हमें एकदम ज्यादा प्रोडक्शन हो तो रेट हमें डाउन मिले। हाँ। या मतलब किसी स्लैब में हमें कम रेट मिले तो किसी में अपने किसी को में आप मिल जाए ज्यादा मिल जाए। हाँ। तो मतलब
और कितना मुनाफा एक एकड़ से हो जाता है किसानों की? सबसे पहले बात आती है मुनाफा, मुनाफा कितना तक? मुनाफा नॉर्मल सा है जी, 1,00,000 रुपए तो कम से कम बचत आ जाएगी एक एकड़ की, सारी लेबर खर्चा सब कुछ काट के। और खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा सारा खर्चा काट के आती है लेबर, इतनी बचत 1,00,000 रुपए। मतलब फिर भी अगर कोई नया किसान करना चाहे तो खर्चा तो ज्यादा नहीं है इसका, कोई 20,000 रुपए एकड़ का खर्चा है। 20,000 रुपए में सारा जाता है। पानी की कितनी जरूरत रहती है इसका? मेन है बीज महंगा आता है जी, बीज महंगा आता है, बीज आता है इसका 1,800 से लेके 2,000 रुपए तक का, 1,000 बीज 1 से 2 रुपए का, फिर उसमें कुछ जर्मिनेशन कम होता है, 3 रुपए का लगभग पौधा पड़ता है एक, 3 रुपए के। तो जो हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो खेती करना चाहें तो क्या आप उनको पौध उपलब्ध करवा देते हो? बिल्कुल करवा देंगे। तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है राजेश भाई का, इस पे आप उनसे कॉल करके और उनसे पौध भी ले सकते हो। और पौधे अपने पास ये अकेला गेंदे गेंदे के नहीं, उधर देखो आप ये गुलदावरी है, गुलदावरी की इसके व्हाइट फूल वरमाला बनती है जिसकी, जी जी जी, जो अभी दीपावली के बाद शादियों का सीजन आएगा उस टाइम ये शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम इसका 150+ रेट रहता है, 150 रुपए किलो से, किलो से ऊपर। और इसमें दो तरह की वरायटी है अपने पास, एक स्टिक वाली है जिसका फूल का रेट एक स्टिक का 3 रुपए से लेके और 10-12 रुपए तक भी हो जाता है, वो है डिमांड के ऊपर, डिमांड के कम से कम 3 रुपए, 3 रुपए जाता है। तो अगर आपको अपने गुलदावरी की पौध और गेंदे की पौध चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी देंगे आपको, टाइम टू टाइम अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जो हमारे किसान हैं देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहोगे इस खेती के बारे में, जो ये इस तरीके की टेक्निकल खेती है, जो परंपरागत खेती से हटके जो खेती है, उनके बारे में और क्या राय देना चाहोगे? भाई यही कहना है जी, किसान भाई पुरानी खेती को छोड़ के अगर नई ये टेक्निकल खेती अपनाते हैं तो उसमें उससे बहुत बढ़िया है इनकम, इनकम अच्छी। और मौसम की मार का और बता दीजिए, मौसम की मार का तो देखो ये हर फसल के ऊपर होता है, इस पे कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान इस पे भी हो सकता है, अगर आंधी आ जाए, पौधा गिर जाए, इसको बराबर में देखो, ये जरूरी है, ये बांस की फट्टी रोप के और बांध रखी है, अगर ये ना बांधे फार्मर ये गिर जाए नीचे तो ये पौधा फिर जीरो हो जाता है, पौधा जीरो जाता है और इस पे मिट्टी लग, ये बांस की फट्टी बांध के और इसको रस्सी से बांधना थोड़ा जरूरी है, पौधा गिरे नहीं, इसके लिए हमें जो है ये सपोर्ट देनी पड़ती है इसको पौधा, क्योंकि इसमें वजन हो जाता है मेरे हिसाब से, फ्लावरिंग काफी फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग उधर देखो ये तो बहुत कम, यहाँ से तोड़ दिया 2-3 बार, उधर बहुत ज्यादा फ्लावरिंग है, तो ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है जो फ्लावरिंग कितनी हद से ज्यादा इस पे जो फ्लावरिंग है। और इसमें खुराक पानी का कुछ भी रहता है या नॉर्मली? इसमें कोई खाद खूद की घनी जरूरत नहीं होती, इसमें नीचे गोबर वाली खाद डाल रखी है, गंदे गंदे में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, पर नॉर्मली अपना पौधा प्लांटेशन कर दो, बस खरपतवार हटाते रहो, खरपतवार हटाते रहो बस, बस बाकी हो जाता है। तो जब सभी जो किसान देखने वाले हैं उनको कहेंगे परंपरागत खेती कीजिए, और अगर आपको पौधे चाहिए तो राजेश भाई से आप संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बढ़िया जो आपको दिखाई दे रहा है यही ये खुद ही प्लांटेशन करते हैं और लोगों को करवाते भी हैं, तो इनसे आप पौधे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।